हाँ जी, की हाल चाल सारे ना। होप सो सब ठीक ही होगे। मैं सवेरे उठ गया जी 7 बजे, ते हुण त्यार श्यार हो गए हाँ, ते रोटी खान चले। आ रूम दा हाल देख लो, कलारा पिया है। जदों आए सी एकदम वधिया सी। तैनू बाहर दा व्यू दिखाने, बाहर भी एकदम धुप निकली है पूरी, मौसम साफ है। चलो घूमन का मजा आएगा। अज का प्लैन है इस खजार जान का। पहला प्लैन है रोटी खाने का, रोटी खा लीए फिर चलते हैं अगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है? चलो चलिए। की हाल चाल है, हम चले रोटी खान। मौसम अब बहुत वधिया है, हवा ठंडी चल रही है। सूँ व्यू दिखाना एक बहुत ही वधिया, रणजीत सागर डैम का पूरा क्लियर लगता है, इधरों बहुत ही वधिया। लगी है लेबर ते असी जा रहे हैं रोटी खान। ये हमारा आज का नाश्ता, आलू पूरी खा के फिर चलने हैं खजियार। ये कैफे डलोजी है, खाना बहुत स्वाद है, कागज मिलते हैं। और नाश्ता कर लिया है और अब खजियार जाने की तैयारी है। तो व्यू चेक करो और सुनाओ कैसे हो। ये ब्लॉग बनेगा भी हिंदी पंजाबी मिक्स, वो तो अपने आप देख लेना क्या समझ आता है जो रख लो। गांधी चौंक है, गांधी चौंक से हम अब जा रहे हैं अब रूम में। हाँ जी दोस्तों, अब मैं होटल से कर लाँगा चेक इन आउट। अब मैं जान लगा खजियार, सामान सारा पैक हो गया है, सामान पैक है और बैठ के निकल जाएंगे धाएँ 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 शाएँ शाएँ शाएँ। तो मिलते हैं खजियार में। वार्म हो गया है आज, बाइक को भी सजा दिया है, मंत्र लगा के सामान रेडी है। देखो भाई व्यू देखो भाई, अब जा रहे हैं खजियार। मौसम साफ है, बाइक को हमने सजा दिया है ऐसे, और सामने रोड है और हम जा रहे हैं खजियार। व्यू बहुत सुंदर है, पैसा वसूल है। देखो भैया वो देखो व्यू असली क्या शानदार है। बहुत सुंदर, और यहाँ फूल भी लगे हुए देखो, बहुत सुंदर फूल हैं। और मज़ा आ रहा है पूरा, हवा ठंडी चल रही है, मौसम भी बढ़िया हो गया। अब जा खजियार जा रहे हैं, तो वहाँ मिलते हैं। साथ रास्ते में जो भी अच्छे आएंगे वो बताता जाऊँगा, आपको भी दिखाता जाऊँगा। चलो चलते हैं, पहुँच गए। ओ भाई बाइक पे हमें छोड़ने जा रहा है रूम में, और ये खजियार है। बाकी अब अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग पे। तो मेरी तो प्रभास हो गई, ट्रैक थोड़ा सौखा वा, बहुत टाइम हो गया ट्रैक नहीं किया। पर सिरा लोकेशन है यार, अभी भाई थक गया जिन्हें बैग चक्या है। सही है पर लोकेशन सही का, अभी बदल आए हुए ने, बदल क्रॉस
बस हो गई भाई की। अरे बस तो हो गई। क्या नाम है भैया आपका? नितिन। नितिन नाम। यस। कितना टाइम हो गया करते प्रैक्टिस? 4 साल हो गए भैया। हो गए 4 साल। हाँ जी। अभी ऊपर जाना है? अभी काफी ऊपर जाना है भाई। ऊपर आओ। मैं ये कुछ ऊपर लड़के को उड़ाने आया हूँ, उन्होंने एक्चुअली आपको अकेले बस जाएगा ना, ऐसे नीचे अकेले कैसे आएगा? तो अच्छा फिर हमारी कंपनी का एक पायलट इसको उड़ाने आएगा। ठीक है, सही है। ये रहा है फ्लावर, इतने देवदार, देवदार के पेड़ है ना। हाँ जी भैया। आपका क्या नाम है भाई? डिंपल भाई। डिंपल है। हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया? मैं सीख रहा हूँ भैया। अभी सीख रहे हो? हाँ जी। सही। फिलहाल मामू किने डाउ मानी से पहन लो कुदरती फिलहाल ना रे जाके से तो भी पहन लेते हैं पूरा। मजा आ रहा है अभी ट्रैक करके। आओ तुसी भी आओ, मतलब जी घूमन ते पैराग्लाइडिंग करन जरूर आओ, मुझे तो शौक है। मैंने कभी की नहीं पर मेरे दिल में था कि करनी जरूर है। देखो मशरूम सारे पासे फ्लावर ही फ्लावर है। सही है। ट्रैक में 2-2.5 साल पहले किया था, पहले किया था मैकलोडगंज वाला, टाइम हो गया। अब देखो ये फ्लावर और किए भी है। जय माता दी कर दे जाओ। जो मैंने मिक्की ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर जी, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा भाई। ये तो बादल आ गया है एकदम से। बस अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा ये। चलो आपके आसरे हैं हम। बिल्कुल भाई, टेंशन ना लो। चलो भी गया था क्या? बादल आ गए, बादल। बाकी गुरु जी कराएंगे पैराग्लाइडिंग, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। घने जंगलों से होते हुए हम जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल रास्ता, पर सिपाही डटे हुए हार नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी किसे सियाने सियाने पुरुष की ने कहा था। अरे भाई भाई वो देखा, गुरु जी तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये चेक करो, बादलों के बीच हैं हम, बहुत ही बेहतरीन। और देवदार के पेड़ ऊंचे लंबे, चलो बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और हम बहुत ही हाइट पे, देख लो भाई आसान नहीं है कुछ, बहुत मेहनत लगती है। क्या है भैया? लग तो बहुत अच्छा रहा है पर जोर बहुत लग रहा है, जो पसीना आ चुका है। ये तो आएगा ही, आप ट्रैकिंग जो कर रहे हो। व्यू दिखा दें एक बार, कितना अच्छा व्यू है। अब आपके लेके चलते हैं आगे। चलो चलते हैं, ओ नहीं है
ये देखो भाई पेड़ कैसे कटे हुए पड़े इधर। ये भाई लोग चलेंगे व्यू देखो यार, पेड़ कितने बड़े बड़े। चलो भाई चलिए। बहुत ही वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है, जोर तो लग रहा है पर मज़ा फुल फुल बटा फुल। अब हम जंगलों में आ गए, देखो पेड़ ही पेड़ है हर तरफ, जिधर देखो उधर ही पेड़ है। देखें देख के चलना पड़ रहा है भाई, नीचे फिसलन है। नीचे दिखा दें एक बार कितनी बड़ी खाई है, ये हम खड़े हैं और ये खाई। तो रास्ता एकदम डेंजर है भाई, देख सकते हो पतला सा रास्ता है, पतला सा। और भाई चले जा रहे हैं। यार पानी कुदरती निकल रहा है पानी, वो वहाँ से बहता हुआ। हाँ धन्यवाद। यहाँ से निकला पानी और क्या, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पर फुल मजा आता हुआ जब बोल रहे हैं भाई, लास्ट पॉइंट आ गया। कोई चप्पल रहेगी किसी की, आराम से जाना भाई, चले ठीक है भाई, ये लास्ट है, ऊपर जाके मिलते हैं। देखो भाई यहाँ से आए थे हम और हम यहाँ पहुँच गए, गुरु जी पहले पहुँचे हुए, वो भाई जा रहे हैं यहाँ से। मेरी सांस ही फूल गई, पर बल्ले बल्ले शावा शावा क्या सीन है। रुक जाऊँ थोड़ा ऊपर जाऊँ फिर दिखाता हूँ क्या सीन है। पसीना आ गया पूरा। ओ गुरु जी बैठ गए उधर। हाँ कुछ ये रहा व्यू, आज हम बादलों के बीच करेंगे पैराग्लाइडिंग और अद्भुत नज़ारा। और गुरु जी आप तो पहले ही पहुंच गए भाई, आपको तो प्रैक्टिस है अभी, हम तो नए नए अभी। गाइस व्यू चेक करो, वो है नीचे हट्स बनी हुई है, ये एक तलाश अपना छोटा सा, और बादल मूव कर रहे हैं। पहले यहाँ से उठते थे, यहीं से उठते थे पहले, अब वो यार यहाँ से छोड़ दिया लोन क्योंकि ये नीचे साइड मिल गई नज़दीक। अच्छा नज़दीक साइड मिल गई, ये सबसे हाइट पे है। हाइट पे कितने टाइम बाद यहाँ से करे हो लाइक? करते रहते आते रहते हम, एक महीने के अंदर एक किलो फाइट करते रहते, लड़के तो डेली आते हैं कहीं कहीं। अच्छा एंजॉय के लिए तो इसमें ने मेरी नंबर कौन सा है? वैसे डेली आते हैं। अच्छा डेली आते हैं, डेली आते हैं, जैसे ऐसे आ जाएंगे फ्लाई फोन के लिए आ जाएंगे। अच्छा यहाँ से करते हैं,
पर हाँ व्यू बहुत अच्छा है इधर से। व्यू तो सर अभी खुला नहीं है, नहीं तो व्यू तो तब दिखता आपको, खुलेगा भी रुक वेट करेंगे ना। कोई बात नहीं, दिन है हमारे पास। वो पीछे बैक साइड में वहाँ फोक पड़ा हुआ है टेम्पल लेक कुलवानी माता का, जो फोक पड़ा ना आप मैं दिखाऊंगा, बहुत फेमस मंदिर है। अच्छा, जिस रास्ते से आप आए ना, आपका वो एक बैरियल आया था उसके ऊपर से एक रोड गया था। नहीं एक वो भी है ना जोत, जोत मंदिर, वो जोत मंदिर वही है, वो एक ही है। अच्छा एक ही है, ये जोत ये है ना साथ में, बस यही लगा पीछे से रास्ता इसका। नहीं उधर से वो अच्छा व्यू है, मैंने वीडियो में देखा था जी, जोत से भी अच्छा व्यू, बढ़िया व्यू देखो आप, व्यू शांत, पैसा वसूल है एक नंबर। ये देखो भाई गुरुजी अपने पैराशूट को सही करते हुए, बादल आ गए एकदम से बहुत ज़्यादा, देखो कुछ मिनट दिख रहा हूँ वाइट वाइट हो गया। जिस जैसे भी है भी मज़ा आ रहा है भी पूरा। अब थोड़ी देर में करेंगे पहला पहला ग्लाइडिंग, थोड़ा बादल हट जाए थोड़े। इधर बादल नहीं हट रहे, हमको वीडियो बनानी हर तरफ कना घोरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये हटेगा तो फिर हमारी फ्लाइट उड़ेगी पैराग्लाइडिंग वाली, ये भी भाई देख रहे हैं कब हटेगी कब जाए। और अब कर रहे हैं पैकिंग, और मेरे हो गए कपड़े गीले, एमरजेंसी लैंडिंग की है, बारिश आ गई लैंडिंग यही है कजियार में लैंडिंग की है, पर एमरजेंसी, पर ये सबसे अलग होगी, सबको मिलती नहीं है, मुझे मिल गई। देखो उधर निकले पड़े हैं बादल, नीला आसमान है, इधर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एक उस्ताद जी कर रहे हैं पैक, मैं हो गया हूँ गंदा थोड़ा जैसा हुआ, ये तो धुल जाएगा, इसका नहीं चक्कर भी। बस यार मेरे को चिंता थी आप इतना ट्रैक करके गए, आपका फ्लाई नहीं होगा मेरे को बहुत सकते। हाँ वो तो है भाई, थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत आपका। और खजियार के पेड़ देखो यार एक नंबर, गुरुजी की होगी हालत टाइट बारिश आ गई, पैराशूट गीला नहीं होने देना इसका ही सारा खेल है पैराशूट का, जोड़ लगा के कर दिया उन्होंने पैक। और हमारी जो वीडियो है वो इसमें बनी हुई है गोप्रो में, इनसे जाके ले लेंगे। अब थोड़ा विश्राम करेंगे हम, ओके रिलैक्स, इनकी सांस में सांस आई। हम खड़े हैं इस टाइम खजियार में और बूंदाबांदी का मजा लेते हुए लोग यहाँ बर्फ देखने आते हैं, मैं बारिश देखने आ रहा हूँ। बारिश अब रुकी है भाई, बारिश की वजह से सारा मौसम ख़राब हो गया है, और हमारी बाइक ना आ रही है। सुंदर लग रही है भैया ये लग के ना। अब हम चले रूम में, तो मिलते हैं रूम में भाई। टाइम हो गया है 3:37, तो पहले खा लें मैगी, बाकी करते हैं बाद में बात। हाँ जी गाइस, अब हम पहुंच गए हैं
नई जगह पे, इसका नाम है खजियार। खजियार में यहाँ पे रुका हूँ मैं, और ये इसकी बालकनी है, 3-4 रूम में। अच्छी है प्रॉपर्टी, ठीक है, व्यू भी सही है। वो उस साइड जाके खजियार है, नीचे रास्ता है, आप अंदर भी दिखा दूँगा आपको। ये देखो मेरे कपड़े गीले हुए हैं, वो सूख रहे हैं। अच्छा रूम है, बाथरूम भी अच्छा है। इसकी लाइट, हाँ बाथरूम भी अच्छा है। और सुनाओ क्या हाल है, बढ़िया यार। हमारे साथ ना आते आते एक सीन हो गया, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बहुत ही कह रहे हो कि नुकसान भी हो गया, फ़ायदा भी हो गया, कुछ भी कह सकते हो। हुआ ऐसे कि हमारे जब पैराग्लाइडिंग करने लगे ना, तो उस टाइम आ गई बारिश, तो उसी चक्कर में मैंने भैया को बोला कि गोप्रो को अच्छे से वीडियो उसकी ऑन कर दूँ, वो करना भूल गए। उन्होंने कर दिया फ़ोटो मोड पे, तो वीडियो बनी नहीं। जब नीचे भी बारिश आ गई एकदम से, तो हमें खजियार में ही लैंडिंग करनी पड़ी। नहीं तो खजियार से थोड़ा आगे है, वहाँ लैंडिंग पॉइंट है, वहाँ करनी होती है लैंडिंग, वहाँ बना हुआ है उसका सारा प्लेटफॉर्म। पर हमें खजियार में एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके कारण से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। देखो कपड़े भी गंदे हो गए, कपड़े भी गंदे हो गए, पर इसका एक फ़ायदा हो गया कि मुझे कल फिर राइड करने का मौका मिलेगा। कल सुबह जाएंगे राइड करने पैराग्लाइडिंग की। दो दो फायदे हो गए, दो दो फायदे। हाँ उसकी फ़ोटोज़ मिली हैं, फ़ोटोज़ मैं शेयर कर दूँगा बीच में वीडियो के। अभी मैगी खाई है, बाहर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो बाहर जाने का मूड नहीं है, रूम में रहते हैं, रेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।